बान में मुख्य रूप से जो लगने वाले रोग हैं वो पांच प्रकार के रोग जो है बिहार में पान के खेती में लगते हैं। उनमें एक है फाइटोप्थोरा फुट रॉट, जिसको पदगलन कहते हैं। इसमें पान के लते का जो निचला हिस्सा होता है वो गल जाता है। दूसरी जो बीमारी आती है वो पत्ती का गलन रोग होता है, जो पैरासिटिका नामक फंगस के कारण होता है। और इसके मुख्य लक्षण हैं कि पत्तियों पे अनियमितताकार जो है भूरे एवं काले रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो या तो किनारे से शुरू होते हैं या पत्तियों के मध्य भाग में शुरू होते हैं। तीसरी तरह की जो बीमारी है उसको स्क्लेरोसियम विल्ट कहते हैं, यानी कि पान के जड़ का सूखना। ये पान के जड़ इसमें जो है सूख जाता है, जिससे पौधे को नुकसान पहुंचता है। और चौथी बीमारी है वो जीवाणु जनित बीमारी है, जिसका नाम है बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, यानी कि जीवाणु पत्र लांछन। ये बीमारी जो है पान के पत्तियों पे जो नस होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, और वो नस काला पड़ जाता है और उसके किनारे के अनियमितताकार जो है पीले रंग के धब्बे पड़ते हैं। और एक बीमारी आती है एंथ्रेक्नोज लीफ स्पॉट, इसमें भूरे रंग के धब्बे गोलाकार लिए हुए पत्तियों के ऊपर रहता है तथा उसके किनारे के हिस्से जो है पीले रंग के पड़ जाते हैं। तो इनके जो पांच बीमारी जो हमने बताया वो सबके लक्षण जो है अलग अलग हैं और स्पष्ट हैं, जिसे हम आसानी से जो है उनके रोगों को हम पहचान सकते हैं।